नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव लगातार में। कोर्ट कचहरी की प्रमुख खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विनीत भारद्वाज। आइए उनसे जानते हैं झारखंड हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों में आज किन मुद्दों पर सुनवाई हुई। जी विनीत, देखिये शिवेंद्र, आज झारखंड हाईकोर्ट में काफी सारे मामलों में सुनवाई हुई, जिसमें महत्वपूर्ण मामला जो कि झारखंड के छात्रों से जुड़ा हुआ था, यह मामला वो 10% सवर्णों को आरक्षण देने का मामला था। इसमें 21 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश पारित किया था कि जो बैक डेट से आरक्षण का लाभ मिलना था उससे संबंधित यह मामला था, और उस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई है। इस मामले में सभी पक्षों को, जितने भी पक्ष इस मामले से जुड़े हुए थे, उन सब की तरफ से बहस पूरी सुन ली गई है। दलीलें जो उनको देनी थी वो उन्होंने अदालत के समक्ष दे दी हैं, और झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में बहस पूरी सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब झारखंड के छात्रों को इस बात का इंतजार है, और जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अब इस बात का इंतजार है कि हाईकोर्ट कब फैसला सुनाएगा। अमूमन यह होता आया है कि जिस दिन ऑर्डर रिजर्व होता है उसके 15 दिन के भीतर ही न्यायालय अपना आदेश सुना देता है, तो अब लोगों को इंतजार है आदेश का। दूसरी खबर एक राजनीतिक हस्ती से जुड़ी हुई है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह का यह मामला था। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अपने ही चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या करवा दी थी, और इस मामले में वो जेल में बंद हैं। पिछले वर्षों में कुछ हालात ऐसे बने कि धनबाद जेल से उन्हें दुमका जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद संजीव सिंह के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए यह मांग की गई थी कि उन्हें वापस धनबाद जेल में शिफ्ट किया जाए। और जो प्रोसेस है धनबाद जेल से दुमका जेल शिफ्ट किए जाने का, उसमें प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। आज हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया है राज्य सरकार को कि 2 सप्ताह के भीतर संजीव सिंह को वापस धनबाद जेल में शिफ्ट किया जाए, तो ये एक बड़ी राहत है उनके लिए। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट में और भी कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। रांची सिविल कोर्ट समेत झारखंड के अन्य न्यायालयों में भी कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई हुई। और एक गतिविधि जिस पर वकीलों की काफ़ी पैनी नज़र होगी, और झारखंड के लगभग सभी वकीलों से जुड़ा हुआ यह मामला है, वो ये है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने एक पत्र जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि जितने भी वकीलों का बकाया राशि है वेलफेयर ट्रस्ट से और बाकी अन्य कमेटियों के मद में जो पैसा जाता है वकीलों का, वो अधिवक्ता जमा कर दें, नहीं तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटक सकता है। शिवेंद्र, तो ये है आज की प्रमुख कोर्ट कचहरी से जुड़ी खबरें जो हमें बताया विनीत ने। और जुड़े रहे आप लाइव लगातार के साथ। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।